ये अपने को है जी HMT 6522 2013 मॉडल है, फोर सेल ट्रैक्टर है। तो पूरे का पूरा ट्रैक्टर असं तुम्हें विखा दें जी, कंडीशन वगैरह सारा कुछ। तो कीमत जी है वीडियो के लास्ट में असं तुम्हें दसागे। हाँ जी, ये देख सकते हो तुम HMT 6522, कंडीशन वेखो ट्रैक्टर की, फुल मोडिफाई होया है ट्रैक्टर जोड़ा। रिम वगैरह वेख सकते हो बिल्कुल वधिया कंडीशन में, एन पूरा ट्रैक्टर मोडिफाई होया। तो मेन गल ये जी, ट्रैक्टर सिर्फ खेती दे विच ही चलिया, मतलब किराए ते नहीं चलिया होया। यह देख सकते हो पिछे रोटावेटर पाया हुआ, ये 10 फुट का रोटावेटर है जी, ग्रीन सिस्टम का, जॉन डियर का हैवी ड्यूटी वाला, जिहड़ा कि कंपनी रेकमेंड करती है जी 75 HP ट्रैक्टर वास्ते। तो आ देख सकते हो ये खेच हुण इहदे नाल ही रोटावेटर जिहड़ा आपां मारिया। तो ट्रैक्टर की फुल आपां तुहानूं कंडीशन दिखा दें। तो पहला जिहड़ा अपना 6522 आंदा सी, 65 horsepower दे विच आंदा सी। तो ये जिहड़ा 6522 सी, आ तुहानूं दिखा रही है इहदी पूरी प्लेट, ये भी 65 HP दे विच ही है, यह देख सकते हो तुसीं। तो होर तुसीं देख सकते हो इहदा जिहड़ा 54.5 दी इहदी जिहड़ी है PTO लिखी हुई है, लेकिन 40.1 kW दे हिसाब नाल इस तों वी ज़्यादा बनती है। तो ट्रैक्टर का वजन देख सकते हो 27.85 kg, यानी कि 28 क्विंटल के लगभग ट्रैक्टर का वजन है बिना किसी बंपर वेट तो। आ देख सकते हो 27.85, मतलब बहुत ही भारा जिहड़ा ट्रैक्टर हैगा। आप वेखते हो सोनालिका वगैरह, अर्जुन वगैरह किन्ने भारे ट्रैक्टर दिखते हैं, पर उन्होंने वजन ये नालों तां वी घट है। तो यदा वेट बिना किसी वेट तो भी इन्ना ज़्यादा 28 क्विंटल। फ्रंट तो तुसी ट्रैक्टर की लुक ते कंडीशन वेख सकते हो, मतलब बिल्कुल वधिया तरीके नाल मोडिफाई होया ट्रैक्टर। तो ये जिहड़ा सुक्का एयर कलिंडर आंदा है, तो कंपनी वल्लों ही जिहड़ी टर्बो फिटिंग होंदी है। तो 65 HP पहला अपना 65 आंदा सी, इहदे टर्बो भी लग्गिया तकरीबन 70 horsepower, यह ट्रैक्टर जिहड़ा बन जाता टर्बो दे नाल। तो टायरां की कंडीशन तुसी इहदे वेख सकते हो जी, पिछले टायर 16928 वाले, तो अगले भी देख सकते हो। तो यह ड्राई एयर फिल्टर है इहदा। तो इहदे विच इक होर मोडिफिकेशन की गई है, पहला कंपनी वल्लों फिल्टर अंदर आंदा सी शो दे, तो शो सिर्फ इत्थों दी इहदी खुलदी हुंदी सी, इत्थों दी जिवें कि लगभग लोगों को पता ही है। तो ये आपां की कीता जी, इहनूं जॉन डियर वांगू सिंगल बोनट कर दिता, इहनूं अंदर जैक लगाए हुए ने, थलों दी लैके उपर तक पूरे का पूरा कंप्लीट जिहड़ा खुलदा है, ओह भी तुहानूं दिखा दिंदे आ जी। ये इहदे टुचकियां लाईआं, तो इहदे विच अंदर जैक लगा होया जी, ये देख सकते हो इस तरह पूरा सिंगल पीस जिहड़ा खुल जांदा। आ देखो, तो वो सामने जैक लग्या इहदे विच, तो मतलब कोई भी काम करना बहुत ही आसान है, रेडिएटर वगैरह की देखरेख। तो इंटरकूलर भी इहदे विच कंपनी वालों फिटेड फिटिंग होया हुआ आंदा। तो टर्बो देख सकते हो तुसी, ये भी जिहड़ी टर्बो है ये कंपनी की फिट होई हुई है। तो इस तरह ही बड़े वधिया ढंग नाल ये शो थले आ जाती है। तो होर तुहानू दिखा दिए, वाटर स्प्रेडर वगैरह भी लग्या होया। तो पावर स्टेयरिंग डबल एटिंग वाला जैक ये होया हुआ जी, आ देख सकते हो डबल एटिंग वाला पावर स्टेयरिंग, वधिया मोटा जैक लगाया गया भी, हल्का हल्की क्वालिटी का जैक नहीं है जी, देख सकते हो बहुत ही मोटा जैक है। और कटाई भी फुल है, नहीं तो कई जैक जोड़े होंगे कटाई घट जाती है उन्होंने। तो प्लेटफॉर्म देख सकते हो जी तुम, यदा बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है जी, आ देखो बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है, आ देख सकते हो तुसी, बहुत ही खुली डुली जी थां है। तो वड्डी सीट है जी, सब तो वड्डी सीट देख सकते हो, जी स्पेशल एडिशन न्यूलैंड जाती है या MSC 9500 स्मार्ट सीरीज जाती है, पिछे ढो देखो उन्होंने भी वड्डी है जी। तो बहुत ही वड्डी सीट है जी, जिद करके बंदा थकता नहीं। लिफ्ट वाला लीवर देखो, यह भी मोडिफाई है, ये ड्राइवर दे पूरी पहुँच विच है भी बंदा थकता नहीं चलांदा होया। तो मीटर ये सारे दे सारे ही चालू कंडीशन विच ने, 5 दे 5 ही मीटर तुसी देख सकते हो भी, एक भी मीटर ये डेड नहीं है, सारे मीटर ये चलते हैं। तो उत्तों की तुसी लुक देख सकते हो,
ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਲਿਆ ਗੁਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਟੁੱਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਰਗਾਡਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਗਾਡ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ, ਐਨ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੀਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੀਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੰਜਣ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਡੈਨਫੋਸ ਦੀ ਆਰਬਿਡੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਘੱਟ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਗਾਡਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਰਗਾਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।